हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। यहाँ पर जानेंगे हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताजा खबरें। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप रोजाना हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हां, शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली खबर से। आपको बता दें, हरियाणा में बड़ा हादसा, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर गिरा, 3 मजदूर घायल, गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे पर दौलताबाद के पास की है घटना। तो जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का एक हिस्सा वहीं गिर गया है। हादसे में फिलहाल 3 मजदूरों के घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 7:30 बजे के करीब हुआ है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर दौलताबाद के पास यह फ्लाईओवर बनाया जा रहा था। पिछले महीने ही केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने इस फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं, राहत और बचाव कार्य जारी। ऐसा ही हादसा पिछले साल अगस्त में सोहना गुरुग्राम रोड पर हुआ था। यहां भी निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक स्लैब भी गिर गया था। जी हां, इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में देसी घी और मक्खन खाना हुआ है महंगा। वीटा बूद ने 30 रुपए तक बढ़ाए हैं इसके दाम। आपको बता दें, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड यानी वीटा का देसी घी और मक्खन खरीदने के लिए अब ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। वीटा बूदों पर देसी घी 20 रुपए और मक्खन 30 रुपए महंगा मिलेगा। वीटा बूद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें, एसोचैम ने हरियाणा सरकार की उद्यम और रोजगार नीति को सराहा, बोले यह बड़ा फैसला है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में काउंसिल के प्रमुख सदस्यों ने सर्वसम्मति से हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति की सराहना की है और इसे राज्य के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों में से एक बताया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें, सड़क हादसों में जान गंवाने वालों को दी जाएगी स्कूलों की प्रार्थना सभा में श्रद्धांजलि। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर है, उपायुक्त जयवीर सिंह आर ने कहा कि यातायात के नियमों की पालना करने पर ही सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसे में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के प्रति स्कूलों में सुबह होने वाली प्रार्थना सभाओं में श्रद्धांजलि अर्पित की जाए ताकि बच्चे यातायात के नियमों की पालना करने के लिए जागरूक हो सकें। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ से जूनियर ग्रीको रोमन नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा के पहलवानों ने चटाई धूल पाया पहला स्थान। चंडीगढ़ के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 42 में आयोजित जूनियर ग्रीको रोमन नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा का पहला स्थान हासिल किया। हरियाणा के पहलवानों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 225 पॉइंट हासिल किए। दिल्ली ने 225 पॉइंट के साथ दूसरा और उत्तर प्रदेश ने 128 पॉइंट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। अगली बड़ी घोषणा है हरियाणा सरकार की, अब राजमार्गों पर हर 60 किलोमीटर के दायरे में होगा ट्रामा सेंटर। हादसे रोकने के लिए हर साल होगा रोड मैपिंग सर्वे। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 60 किलोमीटर के दायरे में एक ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा वाहनों की ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड पर भी नकेल कसी जाएगी। हर पथ पर आई शिकायतों का समाधान नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम ने सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक में दिया है निर्देश, सड़कों की मरम्मत समय से हो, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है, चंडीगढ़ से हरियाणा में 23 विधायकों की नहीं मिली है क्षेत्रीय विकास राशि। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 17 एमएलए कांग्रेस के शामिल। हरियाणा के 23 विधायकों को मुख्यमंत्री घोषणा के मुताबिक अपने हलके में 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने के लिए फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई है। खासकर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस के 17 विधायकों को फंड नहीं मिल पाया है। इसी तरह भाजपा जनता के 4 विधायक और दादरी के निर्दलीय विधायक के हाथ अभी खाली है। इसके साथ ही गब्बर की पहली क्राइम मीटिंग असमंजस में टाइगर, हरियाणा के गृह सचिव से स्थिति स्पष्ट करने की गुजारिश कर दी है। गब्बर के नाम से चर्चित हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज राज की कानून व्यवस्था पर प्रदेश के सभी एसपी रेंज आईजी और पुलिस कमिश्नर के साथ 1 अप्रैल से पहली क्राइम बैठक करने जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के टाइगर यानी डीजीपी मनोज यादव को बैठक को लेकर के असमंजस में हैं, जिन्होंने प्रदेश के गृह सचिव राजीव अरोड़ा को चिट्ठी लिखकर स्पष्ट स्थिति साफ करने की गुजारिश की है। तो जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, होली के रंगों से शराब और दिखेगी हरियाणा की सियासत। दुष्यंत के बाद आज सीएम मनोहर लाल दिल्ली में।
हरियाणा की राजनीति में अगले कुछ ही दिनों में रंगों से शराब नजर आ सकते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार, भाजपा संगठन में नई नियुक्तियां और इलाहाबाद व कालका उपचुनाव की तैयारियों की अटकलों के बीच प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव होने के आसार हैं। सीएम मनोहर लाल ने सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रात को ही दिल्ली पहुँच चुके हैं। हरियाणा में धारा 144 के साए में होली का पर्व, पानी की सप्लाई नहीं होगी अधिक, रोडवेज की बसें भी रहेंगी बंद। पिछले साल की तरफ इस बार भी कोरोना का साया होली पर पड़ गया है। पिछले साल प्रशासन की तरह हर तरह की रोक टोक नहीं थी, लेकिन इस बार धारा 144 लगा दी गई है। गलियों व सड़कों पर 4 से अधिक लोग होली खेलते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। इसका सीधा असर दुकानदारों पर भी पड़ा है। जिले में 2019 में होली पर्व 5 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था, लेकिन पिछले साल घटकर 3 करोड़ पर आ गया है। इस बार बाजार की हालत देखते हुए महज 2 करोड़ रुपए में रंगों का बाजार सिमटने वाला है, बाजार बंद नजर आया है। तो जी हाँ, ये थी बड़ी अपडेट हरियाणा की मुख्य समाचारों की। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।